बंद करो, बंद करो। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद करो, बंद करो। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद करो, बंद करो। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद करो, बंद करो। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। रोहिंग्याई मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो रोहिंग्याई मुसलमानों का ऐसे ही साथ दे जैसे श्रीलंका में टैमिलियन का साथ दिया गया था, जैसे बांग्लादेश मूवमेंट के वक्त बंगालियों का साथ दिया गया था। हम हिंदुस्तानी हुक्मरानों को अपील करते हैं कि वो पंचशील के जैसे एक एग्रीमेंट माहिदा और ऐलान पर अमल करें। ये गांधी जी का मुल्क है, अहिंसा का मुल्क है। ये लोग हम लोग कत्ल की मुखालिफत करते हैं, कत्ले आम की मुखालिफत करते हैं, जेनोसाइड की मुखालिफत करते हैं। इसलिए हमारा काम है कि हम पड़ोसी होने के नाते बर्मा की हुकूमत से अपील करें कि वो ऐसे मौके पर मजलूम मुसलमानों का कत्ले आम बंद करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करें, उनको शहरियत दें। और हम ये भी अपील करते हैं कि आन सान सुई का जो नोबेल प्राइज़ है वो वर्ल्ड से वापस लिया जाए, क्योंकि वो मुसलमानों की खातिल है और वो इंसान को नोबेल इनाम की मुस्तक नहीं है। दुनिया मुसलमानों पर जो कत्लेआम हुआ है ये एक बहुत बड़ी यहूद और नसारा की साजिश के तहत काम हुआ है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जब जब मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद पैदा होता, इसी तरीके के किसी इस्लामी ममालिक को पकड़ कर वहाँ पर कत्लेआम किया जाता है। बोस्निया में भी इसी अंदाज में वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, सेम उसी को दोहराते हुए रोहिंग्या में भी उसी पॉलिसी के तहत मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। ये मुसलमानों का कत्लेआम आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग है। अगर अभी भी मुसलमान मुत्तहिद होकर नहीं जागते हैं तो दुनिया के हर मुल्क में मुसलमानों का इसी तरीके से कत्ल होगा।